सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने अपने आईफोन में iOS 18 में कोई भी ऐप को हाइड किया है तो आप उसको रिमूव कैसे कर सकते हो, यानी कि उसको कैसे वापस ला सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने आईफोन की ऐप लाइब्रेरी में चले जाना है, यहाँ पर ऐप लाइब्रेरी, और बिल्कुल एंड पे आपको देखने को मिलेगा हिडन का फोल्डर, ये आप देख सकते हो। इस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर आपकी फेस आईडी डिटेक्ट होगी। तो मैं अपना फेस सामने लाता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया हिडन फोल्डर पे, तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन आ चुकी है। तो हिडन ऐप को हम कैसे रिमूव करेंगे iOS 18 में, सिंपली आपने उस ऐप के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद डोंट रिक्वायर फेस आईडी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो आपकी ये एप्लीकेशन आप देख सकते हो हिडन फोल्डर से रिमूव हो चुकी है, और ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि कहाँ पर है, ये रही यूट्यूब। तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करके अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे लेके आ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरी YouTube यहाँ पे पड़ी थी फ्रंट पेज पे, तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, देखिए। तो इस तरीके से आप किसी भी हिडन ऐप को रिमूव कर सकते हो iOS 18 में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।